गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आप सोच रहे हो कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति कोई हो सकता है कि जो खुद अब जिस डाली पर बैठा है वो उसी डाली को काट रहा है, ऐसा कोई मूर्ख हो सकता है? तो हाँ, हमने देखा कि कालिदास पहले ऐसे ही मूर्ख थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कालिदास का जन्म कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन और निधन 445 ईस्वी सन माना जाता है कि कालिदास का जन्म सन 365 ईस्वी सन 365 और निधन 445 में हुआ माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन उज्जैन को जन्मस्थान माना जाता है। फिर हर्षवर्धन विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक विक्रमादित्य से ही विक्रम संवत शुरू विक्रमादित्य के समय में संस्कृत का महत्व शारदानंदन की पुत्री विद्योत्तमा विद्वानों और पंडितों विद्वान और पंडित साथ मिलकर बदला लेना
मूर्ख का विवाह। विद्योत्तमा से करना, विक्रम का नाम बार बार माना जाता है, पर लेकिन वो कौन सा विक्रम है वो आज तक पता नहीं चला है। विक्रमादित्य और भास के समकालीन माना जाते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था महाकवि कालिदास के बारे में। तो महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में कोई हमें ठोस जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि उनका जन्म ईस्वी सन 365 और निधन ईस्वी सन 445 में हुआ था। उनका जन्म उज्जैयिनी, हाल का उज्जैन माना जाता है। उस समय उज्जैन में विक्रमादित्य का राज था। उनके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से खुश थी। वो समय समय पर सोने के सिक्के चलाते थे और उनके ही समय में संस्कृत का बड़ा महत्व था। और विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर से वो स्टार्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कवि कालिदास अपनी युवा अवस्था तक निरक्षर माने अंगूठा छाप थे, कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को वो काट देते थे। फिर हमने देखा था कि शारदानंदन नाम के राजा की एक इकलौती पुत्री विद्योत्तमा थी। वो गुणवान थी, विद्वान थी और रूपवती थी। उससे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाता था। हर कोई उसे अपने रूप, गुण और विद्वता का बड़ा घमंड था। उसकी विद्वता का पर्चा उसने अनेक देशों तक फैलाया हुआ था। तो वो कह तो उसके विवाह के बारे में एक उसने कह दिया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वो ही उसी से मैं ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। तो कई विद्वान आकर और चले गए, पर विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाए। इसीलिए कुछ पंडित और विद्वानों ने मिलकर ये सोचा कि इसका घमंड तो उतारना ही पड़ेगा। तो वो घमंड उतारने के लिए उन लोगों ने सोचा कि विद्योत्तमा की शादी, विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करवा दिया जाए ताकि उसका घमंड उतर जाए। इसीलिए वो एक मूर्ख की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी एक डाली पर बैठा था। वो वही डाली काट रहा था जिस डाली पर वो बैठा हुआ था। पंडितों और विद्वानों ने सोच लिया कि इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने उस पेड़ पर से उस मूर्ख व्यक्ति को नीचे उतारा और समझा बुझाकर कहा कि हम आपकी शादी एक राजकुमारी के साथ करवाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब हम वहाँ पे आपको ले जाएं तब आपका मौन व्रत होगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके ओर से जवाब देंगे। मूर्ख व्यक्ति तैयार हो जाता है और
क्योंकि उसको तो एक सुंदर राजकुमारी के साथ शादी करने को मिलती थी, इसलिए उन्होंने तो पंडितों की बात मान ली और पंडितों ने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर विद्योत्तमा के पास ले गए। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। राजकुमारी, अब आगे बढ़ते, राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख व्यक्ति का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण यह संकेत से ही शास्त्रार्थ होगा। अब सभी पंडित और विद्वान मिलकर वो मूर्ख व्यक्ति को विद्योत्तमा के पास लेकर आते और कहते हैं कि यह हमारे गुरुजी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों उनका मौन व्रत चलता है, इसीलिए वो सिर्फ संकेत में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। अब संकेत में, इशारे में शास्त्रार्थ करने की बात हो रही थी, इसीलिए विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई, माने कि ईश्वर एक है। तो वो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि यह लड़की मुझे यह कह रही है कि ये एक उंगली से मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, मैं ये एक उंगली से तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। उस मूर्ख युवक ने समझा यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। उसने कहा तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दो आंखें फोड़ूंगी। इसलिए विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई तो वो मूर्ख ने दो उंगलियां दिखाई और कहा, वो मन ही मन में सोच रहा है कि वो तुम मेरी एक आंख फोड़ूंगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है। विद्योत्तमा ने एक कहा कि ईश्वर एक है और उस मूर्ख ने दो उंगलियां दिखाई तो पंडितों ने उसके आंसर देते हुए कहा कि आपने कहा ईश्वर एक है तो हमारे गुरु जी यह कहते हैं ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने पांच उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। अब ऐसा किया तो उस मूर्ख को लगा कि वो मुझे चाटा मारना चाहती है, लेकिन उसका अर्थ था कि पांच तत्व है। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। विद्योत्तमा ने ये किया तो कालिदास ने ये किया कि तुम मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी। फिर इसके जवाब में भी पंडितों ने ये कहा कि
आपने पांच उंगलियों से पांच तत्वों का संकेत किया, लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा, कहना है कि पांच तत्वों के मिलने से ही सृष्टि निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। पांच तत्व मिलते ही वो सृष्टि का सर्जन होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग नहीं है लेकिन एक है, ऐसा पंडितों ने समझाया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख अपना मौन व्रत भूलकर ययायक बोल उठा, उट्र उट्र। अब ऐसे शास्त्रार्थ चलने लगे और सभी पंडितों ने मिलकर उसको हरा दिया। तो जो पंडितों और विद्वान ने मिलकर जो बदला लेने की सोची थी वो कामयाब हो गई और कहा और दोनों की शादी करवा दी। तो एक दिन की बात है, एक ऊंट को देखकर कैमल ऊंट को देखकर वो मौन व्रत भूल गया और उट्र उट्र ऊंट ने उट्र उट्र बोलने लगा, यकायक। यकायक अचानक एकाएक, अचानक ही वो बोल उठता है, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठे। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। देखो, अब जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उसको सामने वाले व्यक्ति क्या बोल रहे हैं उस पर से ही पता चल जाता है कि उसमें कितना दम है कि नहीं। कालिदास सिर्फ उट्र उट्र बोले तब विद्योत्तमा को पता चल गया कि ये कोई विद्वान नहीं है, ये एक मूर्ख व्यक्ति है। और तभी उसको पंडित और विद्वानों के छल के बारे में पता चल जाता है और उससे विद्योत्तमा को बहुत दुख होता है और उसी समय वो कालिदास को अपने महल से बाहर निकाल देती है और उसके लिए दरवाजे बंद कर देती है। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए, राजनीति धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था।
कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अब वहां से निकाले जाने के बाद कालिदास ने घोर तपस्या की और तपस्या के कारण कालिदास पर प्रसन्न हुई और उसको सारी विद्याओं का दान दिया। और वो काली माता का दास था, इसीलिए उसका नाम कालिदास रखा गया है। उसका रियल नेम क्या है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब से वो माँ काली की उपासना करने लगे तब से उसका नाम कालिदास रखा गया है। अब वो सभी विषयों में पारंगत हो गए थे। वो फिर से विद्योत्तमा के पास लौटते हैं, लेकिन अब भी महल के द्वार कालिदास के लिए बंद थे। अब वो विद्वान हो चुके हैं, उसकी साबिती के लिए विद्योत्तमा के लिए कालिदास ने संस्कृत में द्वार खोलने के लिए कहा। अनावृत कपाट द्वार देही, दरवाजा खोलो देवी। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विषय, अब क्या बातचीत करनी है? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। अब क्या बातचीत करनी है, तो उसके उत्तर में कालिदास ने वहां पे खड़े खड़े ही कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश जो उनकी रचनाएं हैं वो बाय हार्ट थी, वो ऐसे ही बोल दी। तब विद्योत्तमा को पता चला कि नहीं, अब ये विद्वान हो गए हैं। तब उसने दरवाजा खोला और कालिदास का स्वागत किया। कालिदास हर क्षेत्र में गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता। उनके प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। अब देखो, कालिदास का प्रकृति वर्णन इतना अच्छा है कि कोई बात ही नहीं कर सकता। अभिज्ञान सांगुंतल में भी प्रकृति का इतना वर्णन अच्छा किया है। मेघदूत में देखो, उज्जैन का वर्णन है, मेघ को दूध बना के भेजा हुआ है। तो उनकी जो सोचने की शक्ति थी वो कहीं ऊपर थी, इसीलिए उनको उनकी जो उपमाएं थी वो विश्वविख्यात थी। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं है। पहले थोड़े शब्द रह गए वो कर ले। उपासना पूजा शीघ्र जल्दी प्रवीण कुशल
अनावृत। खुला हुआ। तेही। दो। तो कालिदास की उपमा की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उससे कोई तोड़ भी नहीं सकता, उसका जो रिकॉर्ड है वो कोई नहीं तोड़ सकता है। चरित्र चित्रण में भी कवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता है। कालिदास अपने हर एक ग्रंथ में यही बताना चाहता है कि राजा प्रजा के शासक नहीं लेकिन रक्षक होने चाहिए। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं पर भी मिलता है। समाज में नारियों का सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती है। उस समय में विक्रमादित्य के समय में साहित्यिक उत्कृष्ट हुआ था, फैला हुआ था, नारी का सम्मान भी बना हुआ था, नारियों को, स्त्रियों को सम्मान मिलता था, उसे चित्र, नाचना और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी, जो हालांकि पहले के समय में इन सब के लिए, स्त्रियों के लिए वर्जित था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है, और तो कितने सारे हैं लेकिन 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उस 7 ग्रंथों के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार इसमें यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुसंहार में हरेक ऋतुओं के बारे में कालिदास ने बड़ी बारीकी से जानकारी हमें दी है और प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन हमें ऋतुसंहार में मिलता है। नाम के जैसे ही उसके गुण हैं, ऋतुसंहार ऋतुओं के बारे में हमें बताया गया है। मालविका अग्निमित्रम दूसरा है। मालविका अग्निमित्रम मालविका अग्निमित्र यह कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक हैं। विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है
विक्रम और वश्यम। विक्रम और वश्यम। कालिदास का दूसरा नाटक है, इसमें 5 अंक है तथा राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कालिदास की 3 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें प्रेम कथाएं हैं। फिर है कुमार संभव, चौथा है कुमार संभव। का काव्य है और इसमें शिव और पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय का जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कहानी का वर्णन है। हमें पता है कि तारकासुर के प्रकोप से जब सब हिलने लगे तब यही एक उपाय था कि शिव और पार्वती के द्वारा जो पुत्र जन्म होगा वही तारकासुर का वध कर सकेंगे। लेकिन शिव तो अपनी साधना में मग्न थे, इसीलिए यह कार्य कामदेव को दिया गया था। और उसी समय जब उनके क्रोध की ज्वाला निकली और उसमें ही कामदेव भस्म हो जाते हैं, फिर उसकी पत्नी द्वारा आशीर्वाद मांगा जाता है, फिर शिव और पार्वती का विवाह होता है और उसके बाद कार्तिकेय का जन्म और बाद में कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध और उसमें तारकासुर का वध होता है, उसके बारे में यहाँ पे हमें कहा गया है। 5वां है मेघदूत। मेघदूत उसमें कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेशा दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। इसमें ऐसे मैसेंजर बादल का उपयोग किया है जिसमें यक्ष अपनी प्रियतमा को बादल के थ्रू मैसेज भेजते हैं और उसमें रास्ते में जो गांव शहर आते हैं उसका वर्णन किया गया है। फिर है रघुवंश। रघुवंश रघुवंश में एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, वह कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ, यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बड़ी बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। रघुवंश में सूर्य से लेकर पूरे रघुवंश की बात की गई है और सूर्य की बात करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ ये सोचकर, और छोटी सी नाव लेकर माने कि समुद्र पार करना है,
छोटी सी नाव लेकर हम समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार रघुवंश के बारे में यदि लिखना है तो मैं सोच लो कि मैं छोटी नाव लेकर समुद्र में निकला हूँ, ऐसी बात यहाँ पे कवि कालिदास कहते हैं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारी तक की कथा रघुवंश में है। कुश कौन? लव कुश। तो उसके उत्तराधिकारी भी उसके बाद की पीढ़ी के बारे में दिलीप से लेकर कुश के पीछे की पीढ़ी तक रघुवंश के बारे में बताया है। उसमें राम सीता सभी के बारे में बात, दशरथ राम सीता लव कुश सभी के बारे में बातचीत की है। महाकवि कालिदास का सातवां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? भरत चैप्टर 8 भरत हिंदी का था, तब मैंने आपको बताया था कि यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। सभी तरह की चीज़ें हमें कालिदास के ग्रंथों में मिलती है। चलो एक बार फटाफट रीड कर लो। तो ये थी महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं, शब्दार्थ हमने लिख लिए थे। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि कालिदास के जन्म का नाम, कालिदास के जन्म स्थल का नाम बताइए। कालिदास के जन्म स्थान उज्जैयनी माने कि उज्जैन माना जाता है। मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक यक्ष है। विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? विक्रम संवत का प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया। कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है? निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, उसके इसी कार्य से उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। दूसरा है विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा राजा शारदानंदन की पुत्री थी। वह गुणवंती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके अपने रूप गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा
उसी के साथ ही वह विवाह करेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। तो सर्वहितकारी, सर्वहितकारी। विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ। विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर एक होने का भाव था। विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। सृष्टि के निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है, सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से मेल, तत्वों के मेल से होता है। ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक उट्र उट्र बोल उठा, उट्र उट्र बोल उठा। तो होमवर्क में आज आपको हमने स्वाध्याय कर लिया है, वो आपको फेयर बुक में लिखना है अच्छे अक्षरों से। आपके मटेरियल में सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो भी एक्स्ट्रा दिए हैं थोड़े से, जो आपको रीड करने हैं, लिखने नहीं हैं। स्वाध्याय में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वही आपको लिखने हैं। होमवर्क चैप्टर 19 का स्वाध्याय फेयर बुक में लिखें। शब्दार्थ आपने लास्ट लेक्चर में लिख लिए थे, तो अब क्या लिखना है, स्वाध्याय लिखना है। तो यहाँ पे हमारा महाकवि कालिदास चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको फेयर बुक में लिखना ही है। हर बार मैं ये नहीं बोलूँगी आप मुझे फ़ोन मत करना कि मटेरियल में तो सारा दिया हुआ है, मटेरियल में दिया हुआ है फिर भी आपको लिखना है, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं, तो आपको कंपलसरी आपको लिखना है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।